जिनका शीर्षक है एक दिन का प्रधानमंत्री। आप सबको मेरा नमस्कार। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व और मैं लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश की जनता को संबोधित करते हुए भाषण दे रही थी। इस भाषण में देश के विकास के लिए मेरे द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन तो था ही, साथ ही आने वाले वर्षों में मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी वर्णन था। मेरा भाषण अभी चल ही रहा था कि अचानक जोर जोर से मम्मी की आवाज सुनाई दी, उठो रागिनी, स्कूल जाना है, लेट हो गए हो। ये तो सपना था, सपने सत्य नहीं होते, पर ये सपना है मेरा, बनूं देश की प्रधानमंत्री, फिर नाम देश में नया सवेरा। अब मैं सोचने लगी कि अगर मैं एक दिन की प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं क्या क्या करूंगी। पहले तो मेरे मन में ये आया कि मैं अपने दोस्तों और अपने लिए कुछ करूं, लेकिन यदि मैं ऐसा करूं तो क्या ये संभव है कि मैं अपने देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाऊं जहां वो आज है। दोस्तों, मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि एक अनुभवी प्रधानमंत्री को अपने हित के लिए नहीं बल्कि अपने देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए। देश की भलाई का मतलब देश की समस्याएं जैसे शिक्षा, गरीबी, आतंकवाद आदि। मेरे विचार से अगर सब लोग शिक्षित होंगे तो समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और उससे गरीबी भी दूर हो जाएगी। इसलिए शिक्षा पर जो भी बाधाएं हैं उन्हें मैं सबसे पहले दूर करके सरल बनाऊंगी। किसी ने सत्य कहा है, अलग सभी के पूजा घर है, अलग धर्म और इमाम है, लेकिन हमारा मंदिर मस्जिद हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। मेरा मानना ये है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके नागरिक अपने देश में सुरक्षित हो, धर्म और सीमाओं को लेके झगड़े ना हो। इसलिए मैं अमन और शांति का प्रचार करूंगी और सबको मिलजुल कर रहने की शिक्षा दूंगी। मेरा कार्य यही समाप्त नहीं होता। आज जिस तरह से महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है उससे हर इंसान परेशान है। इसे समय रहते अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिसे देश तरक्की नहीं कर सकता। जैसे हाल ही में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने काले धन को समाप्त करने की योजना बनाई है, उसी तरह मैं भी रिश्वत और कालाबाजारी को जड़ से मिटा दूंगी। यदि सब लोग अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे तो देश का उद्धार होगा और हम सब मिलकर नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूं तो मैं अपने देश की जनता के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षित स्तर पर काम करूं और देश को विकसित और खुशहाल बनाने का सपना साकार करूं। निर्णय मेरा अटल रहेगा, देश को महान बनाऊंगी। प्रधान